When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. और हम आए हैं टिम्पानो पे 32nd माइलस्टोन पे. यहाँ मिलते हैं 14,112 तरीके के पास्ता. Mamma mia! सही गुरबानी तो क्या खाएंगी तुम आज? पास्ता. डन जी. Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino. So, India के अंदर जो खाना सबसे ज्यादा चलता है वो है इंडियन खाना. इंडिया में सेकंड फेवरेट क्यूजीन कौन सी है गुरबानी? चाइनीज. एग्जैक्टली. लेकिन थर्ड फेवरेट कौन सी है वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. इटालियन. सही. सो बेसिकली क्या है इंडिया में थर्ड मोस्ट फेमस क्यूजीन इज चाइना इज इटालियन. और उसके अंदर भी वो दो ही आइटम है पता है सर, पिज्जा पास्ता. उसके अलावा बहुत वैरायटी है. लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? पास्ता. पास्ता के बारे में. सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ. ये है मेरी बिटिया गुरबानी कौर टिक्कू. और अपना मैं यहाँ पे खाना वो खाने आया हूँ जिसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इटालियन खाने के बारे में. बट शी लव इटालियन एंड यू लव इटालियन सॉन्ग्स आल्सो. Can you sing an Italian song for us? Only me sing along. Oh, I'll sing along. मुझे पता ही नहीं है. चलो. Okay. Okay. सही. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. इसका मतलब basically क्या है? बड़ी simple. इसके अंदर Italian word नहीं था, लेकिन ti amore is an Italian word जिसका मतलब है? Love. इश्क, प्यार. और हम सबको मोहब्बत है बहुत ज़्यादा प्यार से. और हम आए हैं टिम्पानो पे 32nd माइलस्टोन पे. यहाँ पे खाने आए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ता. लेकिन मैंने आपको बताया नहीं यहाँ मिलते हैं 14,112 तरीके के पास्ता. यस 14,112. कैसे मिलते हैं वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ, शेफ से मिलाता हूँ, खा के बताता हूँ. एंड लेट्स सी हमें खाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. वैरायटी अलग चीज होती है बट खाने का मजा आना चाहिए. तो आ जाइए मेरे पास, हम खाने चलते हैं पास्ता. पास्ता. वाह सही गुरबानी तो क्या खाएगी तुम आज? पास्ता. डन जी. सो ये है जी टिम्पानो गौरमे. टिम्पानो गौरमे का पहला आउटलेट ऑलरेडी वी हैव क्लाउड किचन लखनऊ में भी है. इनके बाकी आउटलेट भी हैं, लेकिन टिम्पानो का पहला आउटलेट इटालियन फूड का आउटलेट ये है 32nd एवेन्यू के अंदर. और हम चलते हैं और खा के होता है इनका खाना कैसा है. लेकिन आप जैसे बाहर देख रहे हो इनकी सिटिंग भी है. तो शेफ कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? ललन कुमार जी. एक काम करते हैं, ये मेडल आपको देते हैं क्योंकि आपकी ज्यादा जरूरत है. तो ललन कुमार जी बात बताए आपके मेन्यू में क्या खासियत है, क्या बढ़िया होता है? सही है. तो अगर हमें तीन चीजें ऑर्डर करनी हो नॉन वेज के अंदर क्या ऑर्डर करें? एक आप चिकन लसाने. चिकन लसाने ऑर्डर करते हैं. एक पास्ता में आपको आपका ठीक है पास्ता हो गया आपका. जी जी. और क्या ऑर्डर करें? एक आप रेवोली कर सकते हो. रेवोली कर सकते हैं. सो बेसिकली दो पास्ता के टाइप हो गए, तीनों पास्ता ही हो गए. पास्ता ही हो गया. सही है. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन पास्ता में से पेने चूज कर सकते हैं. कुछली है, स्पेगेटी है, फेटुचिनी है, गोलची के लिए है, अमरनाथ फ्लेक्सेड पेने है, अमरनाथ फ्लेक्सेड स्पेगेटी. सो बेसिकली इनके पास हम जैसे मैंने बताया 14,112 तरीके के पास्ता ऑप्शन है. और वो कैसे ऑप्शन है इसलिए बिकॉज इनके पास है 12 पास्ता की सॉसेस. पास्ता सॉस के नाम बता दिए कौन कौन सी होती है. चिली अल्फेडो है, करी चिली ऑयल है, क्रीमी बेसिक पेस्टो है, अग्नि ऑलियो है, कार्बोनारा है, मीट बॉल, टमाटो सॉस. सही. और इनके पास है अपना 6 पास्ता के शेप, वो भी बता दीजिए आप. पेने है, स्पेगेटी है, फेटुचिनी है, गोलची गिले है, मैक्रोनी है, कुसली है, होल व्हीट पेने है, होल व्हीट स्पेगेटी है. ओ भाई. और इनके पास है 196 add-ons, वो भी बता दीजिए. एक दो टी वेजिटेबल है, सनड्राई टमाटो है, ब्लैक ओलिव है, चोरीजो है, आपका चिकन सॉसेज है, ग्रिल्ड चिकन क्यूब्स है, प्रॉन्स है, मीटबॉल है, ब्रोगनेस सॉस है.
तो बेसिकली आपको ये बताना चाहता है कि इनके पास 14,000 तरीके के आप डिफरेंट पास्ता वेरिएशन बन सकते हैं, बिकॉज किसी में एक भी डालेंगे एक न्यू वेरिएशन है। तो हम यहाँ पे गुरबानी, हमारे पास है गुरबानी इज द बॉस। गुरबानी क्या खाओगे आप? विच इज डेफिनेटली एक फेटुचिनी अल्फ्रेडो। ठीक है जी, साथ में क्या? बस वही होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पार्मेसान। सही है, और कुछ? सही। और एक अपना हम करते हैं लसाना। लसाना में ऑप्शन है हमारे पास? यस, ऑप्शन है जी। क्या ऑप्शन है? चिकन एंड चीज करते हैं हम, ठीक है जी। और साथ में रेवियोली आपने बोला, सही। तो रेवियोली हम करते हैं कौन सा? मिन्स मीट विद थाइम कर देते हैं। सही है। तो जी ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये ऑल आर इन द रेंज ऑफ 300 to 600, 650। जो हमने आपको बताया पास्ता वो है 475 का, सॉरी जो लसाने आपको बताया वो 475 का है, रेवियोली भी 475 की है। जो रेगुलर पास्ता कोई भी चूज करते हैं वेज या नॉन वेज, 350 से शुरू होता है वेज, 450 शुरू होता है नॉन वेज। उसमें अगर आप और वेजिटेबल्स दिलवाना चाहते हैं, और चिकन दिलवाना चाहते हैं, और मीट दिलवाना चाहते हैं, अलग कहानी है। बट 450 में यू विल हैव अ ग्रेट 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 मील। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड कैसे इनकी जो पैकिंग है, उनके ग्लासेस है, वो अपना एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। सीट, इसमें सीट डाल दिया फर्स्ट लेयर एंड चिकन। सानिया तो पूरी मतलब लेयरिंग का काम है, लेयर थ्री लेयर जाता है, दिस मोज़रेला चीज वन लेयर। बेसिकली बेक होता है वहां, बेक होते हैं। कितने देर के लिए बेक होता है वैसे? ये 5 मिनट में बेक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई यहाँ पे आए तो उसको 10 मिनट में हाथ में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। और डिलीवरी मांगे तो आधे घंटे में डिलीवरी का जो टाइम लगना बिल्कुल नो लगना है। तो आपने बताया था इनके पास अपना जो है टिम्पानो पे आप अपना यहाँ पे आके भी खा सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो ऑर्डर, चाहे आप लखनऊ में, चाहे आप गुड़गांव में, चाहे आप रजौरी गार्डन में, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम जोमैटो, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, या आपको इंस्टाग्राम पे इनको DM भी कर सकते हैं, इनके फोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव सम डिलीशियस इटालियन फूड एट योर होम। सही, चीजी अच्छे खासा चीजी होते हैं जी, लेयर बाय लेयर चीज पर जो मसाला चीज। वाह, मतलब अभी एक और लेयर डल रहा है। बिल्कुल सुपर। तो शेफ एक बात और बताइए कि अपना अपने जैसे हम इटालियन फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन टिम्पानो का ये भी है कि इट इज फेमस फॉर पास्ता मेनली, तो पिज्जा भी होता है हमारे यहाँ पे? हमारे पास पिज्जा की कॉन्सेप्ट है, कैलजोन्स होते हैं। हाँ जी, वो स्टफ होता है, फोल्डिंग होता है। अच्छा, पिज्जा ही होता है बेसिकली। अच्छा, कैलजोन की बात कर रहे हैं। सही सही सही। तो अगर आप चाहें तो कैलजोन भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा जो है लसान्या ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, ये इसके ऊपर एक और लेयर आएगी बस लास्ट। अरे वाह सही, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, मन कर रहा है इसको देखे कि जल्दी से तैयार हो जाए और हम चीजी चीजी लसाने जो है उसको खा लें। तो चीज किया आपने, बारिश कर दी अच्छे तरीके से, और ये जैसे हमने देखा 475 रूपए प्लस टैक्स का है। तो आपने क्या कभी लसाने खाया है? आई एम श्योर काफी उन्होंने खाया होगा, अगर नहीं खाया तो जरूर खाइएगा, इट इज वन ऑफ द गुड डिशेस। पेट अच्छा भरता है, स्वाद बढ़िया है और स्टाइलिश डिश है बिल्कुल। उसकी जब लेयर्स में अलग अलग बाइट में आपके मुंह में स्वाद जो आता है ना, वो आपको कहता है वाह लसान्या, देखो खा के मजा आ गया। तो ये जो है जी हम टिम्पानो पे हैं, टिम्पानो में आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, ये अब जस्ट बेक होने जा रहा है, ये तैयार हो चुका है, बस बड़ी जल्दी आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। ओके, सो अपना ये फॉइल लेके आया, फॉइल में कवर हो जाएगा, इससे क्या हीट रिटेन रहती है। तो ये जी हमारा लसाना जा रहा है अपना वुड फायर ओवन के अंदर। चले जाए भाई अंदर और जल्दी से बढ़िया सा लसाना बन के आ जा स्वाद भरा। ये हमारा लसान्या तैयार हो चुका है, वाह क्या रंगत आ रही है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। सो ये आ गया जी हमारा लसान्या, थैंक यू जी। और ये आ गई इसके साथ हमारी जो है गार्लिक ब्रेड, सो इट कम्स एज अ कॉम्बो, थैंक यू वेरी मच जी, इट कम्स एज अ कॉम्बो।
सो एक काम करते हैं, अपना इसको शुरू करें कुर्बानी। आप एक बारी पास आके देखना चाहेंगे इसको, थोड़ा सा और पास आके जरा है कैसा ये। प्लीज डिग इन फर्स्ट, यू आर द बॉस मैम। सही जी, तो हमारा लसानिया हो गया तैयार। वाह गुरबानी, एंड यू वांट हैव इट डायरेक्टली? आई होप इट इज नॉट टू हॉट। इज इट टू हॉट? सही। तो ये है जी हमारा लसानिया, एंड लेट मी जस्ट शो इट टू यू। जो हमने लेयरिंग की थी बड़ी खूबसूरती के साथ, वो बिल्कुल तैयार हो के अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। आ आ आ गुरबानी वही पकड़ोगे आप ये, एंड हियर गोज माय लसानिया। दिस इज अमेजिंग, सुपर कमाल है जी। मतलब दिस इज सुपर कमाल इन ऑल सेंसेस। जो फ्लेवर आ रहा है, जो चीज की क्वांटिटी है, जो पूरी लेयरिंग हुई हुई है, और साथ में ऊपर जो फ्लेवर होते हैं ना इटालियन, हल्के हल्के फ्लेवर हर जगह से हल्के हल्के आ रहे हैं। आई एम श्योर इनके जो चिकन चीजी चिकन जो उन्होंने डाला था उसके अंदर के सारे फ्लेवर हैं, खुल खिल के बाहर आ रहे हैं। सुपर अमेजिंग। अगर आप लखनऊ में, गुड़गांव में या रजौरी घाट में हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू ऑर्डर। और अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव इट। शाम को ये मौसम अच्छा तो यहाँ पे आइएगा और खाइएगा। मैं से रुका नहीं जा रहा, मैं अभी ऑलरेडी बाकी डिशेज की वेट भी कर रहा हूँ। तो गुरबानी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा? ओए होए होए मामा मिया, दिस इज सुपर डुपर अमेजिंग। सो आवर लसानिया वॉज सुपर अमेजिंग कमाल। अब हमारा तैयार हो रहा है रबियली, लेकिन वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट यू नीड टू हैव देयर यू नो लेमनेड्स और गोल्ड कॉफी अलग अलग वरायटी में। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, दे चाहे आप घर में डिलीवर करो या यहाँ पर मंगवाओ, दीज कम इन दीज री यूजेबल ग्लासेस। पद उठाओ, पी लो, अंदर तो ठंडक आ जाइए। तो हमारा जो है खाना तैयार हो चुका है, बट यू वी नीड टू आई नीड टू इंट्रोड्यूस यू टू शेफ मारवा जी। मारवा जी मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। 30 साल का एक्सपीरियंस है सर को होटल ट्रेड में, रेस्टोरेंट ट्रेड में। तो आप 30 साल से लोगों को खाना खिला रहे हैं? बिल्कुल, आई हैव बीन अ शेफ फॉर लास्ट नाउ 35 साल होने को आ गए हैं। और मैंने 87 में पास आउट किया था केटरिंग कॉलेज, और तब से शेफ ही हूँ मैं। सही और सही, बड़ा अच्छा फॉर्चुनेट मेरा to learn the work from best of the chefs, not only in India but even lot of international countries. So इस journey में काफ़ी कुछ सीखा। So now it is a time जब हम लोग अपनी expertise लोगों को serve करना चाहते हैं और best खाना इस country में भी देना चाहते हैं कि लोग international food भी enjoy कर सकें। इसी से टिम्पानो का भी अपना जन्म हुआ। तो अपना बिल्कुल सर ने आपको सब कुछ बता दिया। सो आपने देख लिया कि इसके भी जो फिलॉसफी है, जो थ्योरी है, दैट इज़ अबाउट सर्विंग गुड ऑथेंटिक पास्ता टू द पीपल ऑफ दिल्ली एंड इंडिया अभी अक्रॉस, एंड ऑब्वियसली यू नो वी कैन इवन अपना गो फर्दर। सो अगर आपको अच्छा पास्ता खाना है पूरे इंडिया में कहीं पर भी, अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या लखनऊ में रहते हैं, तो आपको पता है आपको टिम्पानो से ऑर्डर करना है। एंड शेफ मारवा जी की अपना गारंटी है, जो आप खाओगे यू आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर। द फ्रेश पास्ता एट द बेस्ट टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट। वन लास्ट क्वेश्चन, यस, वेज वालों के लिए एक वेज डिश और नॉन वेज वालों के लिए एक नॉन वेज डिश जो पक्का उनको खानी चाहिए यहाँ पे आएंगे तो? वेल हमारे लसानियास आर यू सी टॉप ऑफ द लाइन। मैंने खाया भी लॉट ऑफ लसानिया। यू हैव चिकन लसानिया, यू हैव स्पिनच एंड रिकोटा लसानिया, यू हैव एनी ऑफ दिस थिंग, देन यू टेस्ट अराबियाता सॉस विच इज अ यू सी टॉप ऑफ द लाइन अराबियाता सॉस और अ पेस्टो सॉस। सो वी हैव डिफरेंट एड ऑन्स, सो यू चूज योर सॉस, यू चूज योर पास्ता and you choose your add-ons. So within add-ons, you can have a vegetarian, you can have a non-vegetarian. Sahi. You have a hundreds of combinations which you can order.
So you let us know how you like your pasta. We will toss it fresh and we will serve it to you. Dada ji, perfect hai ji. Toh ek kaam karte hain, hum chalte hain, hamara pasta meri aankhon ke samne hai. Ravioli apna carry hai, aaj hum bujhaye kha ja. So thank you very much, Chef Marwa ji. Apna we love the entire food. Most welcome. Ab baaki jo hum khana jaane lage, mujhe umeed hai acha hi hoga. Absolutely. And phir aap wapas aayenge. Par hamare darshak jo hai apna Mr. Tikku family ke, wo bhi agar aapke area mein hain, Gurgaon mein hain, Rajouri Garden mein hain, Lucknow mein hain, so wo bhi aapse order karenge. Aur wo bhi hamari tarah kahenge. क्या कहेंगे ऐसे मजा आ गया ऐसे and, कहना चाहिए इन द इटालियन दे से बियों एपिटीटो बिल्कुल एग्जैक्टली या बियों एपिटीटो परफेक्ट थैंक यू वेरी मच ओके बाय सो टुडे से जो बन रहा है आई वाज जस्ट गॉबलिंग अप द लज़ानिया ट्राइंग टू मेक माय सेल्फ स्टॉप लेकिन जब अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द डिशेस एंड अब फाइनली बन गया सो कांट वेट टू तो खिलाओ फिर क्या खाएंगे पहले हम I think I'm tempted to try the ravioli. Ye lijiye. So here it goes in your plate. Khaiye aur bataiye ki ye kaisa hai. So this is ravioli. Ye kaun sa ravioli hai Gurbani? Minced meat and thigh. Minced meat and thigh. Lamb. So should I? I want to see the filling first. Okay. So when you eat it properly, pehle usko dekhna zaruri hai. She wants to see how the filling is. और मैं खा जाऊंगा ऐसे पहले गुरबान चलो वन चीयर्स दिस इज काफी गुड आई लाइक द स्टाइल काफी गुड सही बट दिस इज लाइक चीयर्स इज गुड और जैसे मैंने खाया ना वैसे गर्मी की ठंडी हवा एकदम से आई इतना अच्छा सा लगा वो अंदर से ठंडी हवा या बाहर से मुझे ये नहीं पता परफेक्ट मूवी मोमेंट एग्जैक्टली नॉर्मली इसके साथ आपको गार्लिक ब्रेड भी मिलती है हम ऑलरेडी खा चुके हैं वी डिडंट वांट टू वेस्ट इट सो वी नॉट ऑर्डर्ड बट नाउ आई एम जंपिंग टू द फेटुचिनी यस हियर इट गोज आ वो भाई साहब दिस लुक्स गुड देखो गुरबानी ज्यादा चिकन आ गया आपके पास दैट वॉज नॉट इंटेंशन द इंटेंशन इज टू हैव मोर चिकन फॉर माई सेल्फ बट देन आई मिस्ड इट दिस टाइम आजा यार यार यूजिंग अ स्पून व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट हां क्या फोक लेना चाहिए था यू थिंक सो ना आप खाओ और बताओ कैसा है एज पर योर टेस्ट बड्स व्हिच अप्रिशिएट द इटालियन फूड एंड नॉट ओनली बटर चिकन लाइक मी लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी क्या बात है मतलब इस लड़की को एक ही चीज आती है जैसे मैं कहता हूँ सही 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 ये कहती है काफी गुड बट लेट मी हैव माय बाइट एंड टेल यू कि इसका स्वाद कैसा है I agree with her. Coffee good. So, the taste is amazing. The ingredients are kamal. You can order it from Zomato Swiggy if you are in Rajouri or Gurgaon or you are in Lucknow. अगर आप गुड़गांव में हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं 32nd Avenue में जैसे अंदर एंटर करेंगे राइट से सीढ़ियों पर जा रही है जहाँ पे आपको टिम्पानो दिखाई देगा यहाँ पे आइएगा यहाँ पे खाइएगा रेट्स बड़े जानदार हैं शानदार हैं it's a brand which has been in existence for a few years, doing amazingly well. As I mentioned to you, they serve their drinks in a reusable glass. So yes, you can use it later. They also serve their food in these wonderful plates which are environment friendly. ये मैंने जानबूझ के ऐसे मंगवाया था यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको नॉर्मली ये बोल में सर्व करते हैं आई इंसिस्टेड ऑन सर्विंग दिस बिकॉज़ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट एनवायरमेंट फ्रेंडली में है रेट्स काफी अच्छे हैं और आई थिंक मैं थोड़ा टाइम में वापस आऊंगा थोड़ी ओनली दिक्कत यहाँ पे क्या है कि गर्मी है और बाहर बैठ के नहीं खाया जा रहा और मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ 3 बजे के आसपास तो इट इज द वर्स्ट टाइम टू हैव अ मील आउटसाइड बहुत पसीने आ रहे हैं बट शाम को आएंगे तो मौसम अच्छा होगा तो बाय बाय करें 3 2 1 मामा मिया सही
ऐसे करते हैं। सी डाटा बाय में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू, आप मुझे प्यार से मिस्टर टिक्कू कहते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक ही काम है अलग जगह पे जाना और वहाँ की खट्टी मीठी कहानी आप तक लेके आना। आज मेरे साथ आई है मेरी बेटी गुरबानी कौर टिक्कू। अगर आप उनको और देखना चाहते हैं किसी एपिसोड में बताइएगा, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं बताइएगा, बिकॉज पापा की बेटी है। बिल्कुल खाने के लिए कभी भी कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है। अपना ध्यान रखिएगा और आपने अगर कमेंट अभी तक नहीं किया तो कमेंट कीजिएगा। आपने अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों का तो शेयर कीजिएगा। आपने अगर लाइक नहीं किया तो यार कोई बात नहीं, अगला एपिसोड शायद आएगा तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे। जबरदस्ती हम कुछ नहीं करते। कैन वी से बाय बाय टाटा।